हाय फ्रेंड्स, द नॉलेज में आपका स्वागत है और ये वीडियो इंगवार्ता ऐप के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। भविष्य में झांकने के लिए कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है। हम वर्तमान आंकड़े और एनालिसिस के द्वारा भी ये जान सकते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। तो चले जानते हैं हमारी दुनिया में एक के बाद एक ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है 2050 से पहले। 2019 नेक्स्ट ईयर कुछ नए देश इंडिपेंडेंस होने की संभावनाएं है। पैसिफिक ओशन में आया हुआ बुगेनवेल नाम का एक छोटा सा टापू जो आज पापुआ न्यू गिनी का एक भाग है, वो नेक्स्ट ईयर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की संभावना है। कुछ ऐसा ही न्यू कैलिडोनिया के साथ होने वाला है जो आज फ्रेंच का हिस्सा है, और अगर नेक्स्ट ईयर वहां के ज्यादातर लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए वोट दिए तो वो भी एक नया राष्ट्र बन सकता है। और एक खुशखबरी ये है कि अगले साल तक एटलीस्ट यूरोप में कुछ जगहों पर सेल्फ ड्राइविंग कारें चलाना अलाउ हो जाएगा। 2020 इस साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत आज दुबई की बुर्ज खलीफा है, लेकिन 2020 में सऊदी अरेबिया ये रिकॉर्ड तोड़ देगा और जेदा टावर इसकी जगह लेगा, जिसकी ऊंचाई 3,303 फीट होगी। इस वर्ष में भारत में ह्यूज फाइबर ऑप्टिक केबल का काम पूरा हो चुका होगा जो ग्रामीण इलाकों के 30 करोड़ लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया में 6.1 बिलियन लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे होंगे और आधे से ज्यादा अमेरिकन सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे होंगे। और इसी वर्ष में दुनिया की सबसे पहली स्पेस होटल अंतरिक्ष में शुरू होगी। 2024 स्पेसएक्स कंपनी जो स्पेस एजेंसी पर काम करती है वो अपना कार्गो स्पेसक्राफ्ट लाल ग्रह यानी कि मंगल पे भेज चुकी होगी, और बाद में अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो वहां पे इंसान को भेजा जाएगा। 2024 तक कम से कम विकसित देशों के घर फुल्ली स्मार्ट हो जाएंगे और हम अनेक होम अप्लायंसेस में इंटरनेट का उपयोग कर रहे होंगे। 2025 यहां तक पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी। दुनिया में कार्स की तादाद भी बढ़ जाएगी और इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी क्रांति आएगी और दुबई में दुबई लैंड बनाने का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होगा। 2026 इस साल में महाकाय द सगरदर फैमिली या केठीदर का निर्माण पूर्ण हो चुका होगा। इस इमारत का निर्माण बार्सिलोना में सन 1883 में शुरू हुआ था और फाइनली 2026 में 143 साल बाद ये इमारत बन के तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही इस साल तक गूगल इंटरनेट को आज से 1000 गुना ज्यादा तेज बना चुका होगा। 2030 वेनिस और मालदीव्स बाढ़ का सामना कर रहे होंगे। आज हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा प्रोफेस एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरेगा, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसे टकराने के चांसेस महज 2.7% ही है। 2033 ह्यूमन मार्स मिशन पूरा हो जाएगा और जिसका नाम होगा अरोरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम्स मून, मार्स और एस्ट्रॉइड पे स्टडी कर रहे होंगे। ब्रेन डैमेज और डिसऑर्डर्स पे विज्ञान बहुत आगे निकल चुका होगा। 2035 इस साल तक 3D प्रिंटिंग आम बन चुकी होगी। हमारा प्रोक्ष अल्फा सेंचुरी स्टार पे स्टडी करना शुरू कर देगा। इसके अध्ययन के लिए उसे और 20 साल लग जाएंगे और उसकी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और 3 साल लगेंगे। 2038 आंकड़े ये कहते हैं कि हम इस साल तक बहरापन यानी कि डेफ पे विजय पा चुके होंगे और यहां तक पूरी दुनिया की आबादी 9 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी। 2045 यहां तक टेक्नोलॉजी इतनी जटिल हो जाएगी कि आम इंसान के लिए इसे समझना बेहद मुश्किल बन जाएगा। हम आज के मुकाबले भी 80% ज्यादा मशीन का उपयोग कर रहे होंगे और हम कैंसर पे विजय पा चुके होंगे। 2050 अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम मंगल पर कॉलोनाइजेशन शुरू कर देंगे। दुनिया की 50% आबादी नजदीकी दृष्टि की बीमारी से ग्रस्त होगी, लेकिन तब तक आंखों को तेज करने की टेक्नोलॉजी भी आम बन चुकी होगी। आज दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीस है, सेकंड नंबर पे स्पेनिश है और थर्ड नंबर पे इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है 2050 की ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा होगी और ये लैंग्वेज पूरी दुनिया की रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। दोस्तों आज इंग्लिश और कंप्यूटर का जमाना है, हम कितना भी चाहे लेकिन इससे दूर नहीं भाग सकते, और इन दोनों को सीखने की एक सिंपल सी रीत है और वो है सिर्फ प्रैक्टिस। अगर अच्छी इंग्लिश आपकी भी सफलता में रुकावट बनी हुई है और बिजी लाइफ के कारण आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाए, तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है इंगवार्ता ऐप, जिससे आप लाइव कोच के द्वारा ना सिर्फ रोज प्रैक्टिस कर पाएंगे बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकेंगे। इस ऐप को डाउनलोड कर आप आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, टेक केयर।